अंदर जा रहे हैं, ये है पुराना किला, ठीक है, और अंदर जाके दिखाएंगे आपको कि क्या है क्या नहीं है अंदर सीन। मैंने भी अभी तक नहीं देखा पुराना किला, और ये जा रहे हैं भाई दोनों हमारे साथ लव कपल। तो भाई नाउ स्टार्ट। तो सबसे पहले पड़ेगा पुराने किले का मेन दरवाज़ा, जो पहले भी यहीं से खुलता था और अब भी यहीं पर ही खुलता है, और जब भी चालू था और अब भी चालू है। चलते हैं। या तो भाई देख सकते हो आप यहाँ पर, ये कमरे से बने हुए हैं पुराने जमाने के, ठीक है, संग्रहालय। ये अंदर जाने का भी तो है, है हाँ, क्यों नहीं जा सकते, आओ चलो पूछो, जाके दिखाओ उन्हें टिकट वगैरह अपना। हाँ, इस पुराने किले के सारे अवशेष जो भी प्राचीन काल में थे, वो सारे अवशेष आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वहाँ के पैसे हो या हथियार हो या कुछ भी हो, और आगे भी हैं आपको दिखाएंगे। बस वीडियो पे बने रहना और व्लॉग को एंजॉय करना, वीडियो फोटो बनाने से। हाँ तो भाई, अभी तक कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो ढूंढ क्या रहे हो, ये तो बता दो भाई, कुछ अच्छी चीज मिले। अच्छी चीज मिले, अच्छा, या कोई बात नहीं, देखते भाई अपने व्लॉग। वाह 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 वाह, मौज कर दी भाई तुमने तो, अपने व्लॉगर को दिखाने के लिए, ठीक है, अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए, अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, नहीं अपने व्लॉगर्स को, मेरे को दिखाएंगे ना। और ये भाई व्लॉग इंडस्ट्री में नए नए कपल्स आए हैं तहल को मचाने के लिए, ठीक है, फटाफट से जाएं और सब्सक्राइब करें सोनू सभा व्लॉग, एंटरटेनमेंट व्लॉग मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, और साथ में हमारे भी नीचे मिल जाएंगे आपको, भूले ना सकते हो आप। ये देख सकते हो, ये अंदर का संग्रहालय है, ठीक है, पुराना किले, बौद्ध प्रतिमाएं। तो आगे देखते हैं हम। और भाई साहब यहाँ पर ये देख सकते हो आप, पुराने किले का संग्रहालय है, और संग्रहालय के अंदर प्राचीन काल की सारी आपको मूर्तियाँ वगैरह, पैसे वगैरह जो भी हुआ करते थे, सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, हथियार वगैरह कैसे कैसे हुआ करते थे। और ये भी रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ को, देख सकते हो यहाँ पर सारे में मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी, पुराने टाइम की पत्थरों पे नक्काशी की गई मूर्तियाँ हैं, ठीक है ना, जिस पे बेहतरीन कारीगरी का देख सकते हो आप, कितनी बेहतरीन कारीगरी है, ठीक है, और कुछ धातुओं से बनी हुई भी मूर्तियाँ मिल जाएगी आपको, देख सकते हो जैसे कि कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं, ठीक है। और भाई सब पुराने किले में यहाँ पर नाइट शो भी होता है, अगर जिस किसी को देखना हो ना तो नाइट में आके यहाँ पर पूरी फिल्म देख सकता है, शो देख सकता है नाइट। मतलब तेरे पास भी है, हे भगवान मुझे उठा ले भाई, मुझे उठा ले, मुझे नहीं रहना इस धरती पे। और भाई साहब ये जो देख रहे हो आप सामने, इसको आप बोल सकते हो हुमायूं का किला, और यहाँ पर है दो दरवाजे हुमायूं के, एक ऊपर की तरफ खुलता है और एक भाई नीचे की तरफ खुलता है, ठीक है ना, जैसे कि देख सकते हो आप, ये नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, और ये जो जीने वक्त देख रहे हो ना, यहाँ पर भाई साहब पानी हुआ करता था और ये पानी के अंदर खुला करता था, और इसको बावली वगैरह भी बोला करते थे, जैसे कि अंदर खुलता था पानी अपना इस्तेमाल वगैरह करने के लिए, ठीक है। और देख सकते हो सामने टक्कर पे ही आपको एक दरवाज़ा मिलेगा, लेकिन वो आप बंद कर दिया गया है। ये है भाई साहब हुमायूं का किला। अरे वाह वाह वाह, क्या ठंडक मिली है, यहाँ बना दो 3 दिन। ये गाना सेलेक्ट करेंगे तो भाई हम अब बनाएंगे रील, ठीक है, लोकेशन मिल चुकी है बढ़िया वाली, रील रील होते हैं जिससे कपड़े सिलते हैं, हम बनाएंगे रील जिससे सिलते हैं कपड़े। अच्छा,
कपड़े वाली रील बनाएंगे भाई हम, कपड़े सिलने वाली रील बनाएंगे और इंस्टाग्राम पे डालेंगे, जिसको फटे कपड़े हुए हो वो देख लेना। मधुबाला आंटी ये फोन में डिस्टर्ब कर रहे हो, बस तेरी बात है, रुक जाओ। अच्छा भाई, हम बनाने जा रहे हैं रील वगैरह, ठीक है, इनकी रील वगैरह बनाएंगे हम, देख रहे हो इस पे लास्ट में लो। अरे ये मैं रख के, तो भाई देख सकते हो आप, ठीक है, ये पुराना किला है दिल्ली का, और ये देख सकते हो आप यहाँ पर खंडर वगैरह सा है, मतलब ये जंगल है, ठीक है, यहाँ भी जंगल है और यहाँ पे कुछ देखने लायक चीज़ें हैं, ठीक। कितना बढ़िया दृश्य नज़र आ रहा है यहाँ से, देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन दृश्य नज़र आ रहा है, और यहाँ से पूरे में है और ये वहाँ पर हम संग्रहालय घूमे थे, ठीक है, जो दिखा दूंगा मैं संग्रहालय, और एक उधर घूमे थे, और ये भाई एक किला सा आएगा, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप। क्या हो गया भाई लोग, इस जगह को मैं फैमिली के लिए तो प्रेफर नहीं कर सकता, लेकिन कपल के लिए तो ये बेस्ट और वरदान वाली जगह है, ठीक है, यहाँ पर आओ, आपका जो है मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा वातावरण और हरियाली देखकर। ठीक है, भैया सिर में दर्द हो गया, भूख और लग गई यहाँ पे, अब हम बाहर जाएंगे और बाहर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, और खाने पीने के बाद में फिर हम आपको फिर नेक्स्ट लोकेशन पे लेके जाएंगे, ठीक है, बट वीडियो को मत छोड़ना बिल्कुल भी, आपने वीडियो छोड़ दी तो समझो हमें छोड़ दिया, इसीलिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर दबा के करते रहना, क्यों भाई सुनो, बिल्कुल भाई, हाँ भाई सुनो भाई, क्योंकि वहाँ पे है ना एक ब्लॉगर की बात नहीं है, दो ब्लॉगर हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो भाई इसलिए मज़े ले यार, करते रहो।